संभल के थाना धनारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो चोरों को धर दबोचा। क्षेत्राधिकारी ने किया खुलासा। संभल के थाना धनारी पुलिस संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक संभल आलोक कुमार जायसवाल गन्नौर क्षेत्राधिकारी के निर्देश में थाना धनारी पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक ट्रैक्टर चालक को रोकने का इशारा किया तो ट्रैक्टर चालक भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर सहित दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका शादी एक भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान एक ने बताया कि हम लोग दूर दराज से लाकर कर बेच देते हैं, मुनाफा कमा लेते हैं, जिसको लेकर धनारी पुलिस ने पकड़। गुन्नौर के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर के सरोज ने पकड़े गए चोरों का किया खुलासा। संभल से यशवीर सिंह यादव की रिपोर्ट, प्राइम सिटी न्यूज। ट्रैक्टर संदिग्ध हालत में जा रहा था, उसको उन्होंने पुलिस वालों ने हाथ देकर रोका। तो ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके बैठे जो भी चालक के अलावा बैठे थे सब लोग भागना शुरू किए। तो पुलिस ने घेराबंदी करके ट्रैक्टर चालक और उसके एक सहयोगी को पकड़ लिया। उसका एक सहयोगी भागने में सफल रहा। जो ट्रैक्टर चालक के साथ सहयोगी पकड़ा गया है उसका नाम है राकेश पुत्र करण सिंह कप्तान सिंह, इनको पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। इनका एक सहयोगी था जो राजीव सना ओमपाल है, धारा भुड़ का ये भाग गया। इनसे बातचीत के दौरान और पूछताछ कड़ाई से किया गया, इन्होंने बताया कि हम लोग चोरी के ट्रैक्टर इसको चुराए हैं रामपुर से और इस तरीके हम चोरी के ट्रैक्टर लाकर बेचते हैं। इनके निशानदेही पर दो और ट्रैक्टर बरामद हुए हैं और इनके पास से कुल 3 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। ट्रैक्टर स्वराज पकड़ा गया है, ट्रैक्टर फार्माटेक पकड़ा गया है और ट्रैक्टर सोनालिका। इनके खिलाफ मुकदमा प्रा संख्या 25/2021 धारा 420 477 411 414 थाना धनारी पंजीकृत करके मुकदमा पंजीकृत की कार्रवाई की जा रही है और जेल भेजा जा रहा है।